हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप BHU एंट्रेंस एग्जाम 2021 में देने वाले हैं, BHU का हो गया या ALU का हो गया या AMU का हो गया, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एंट्रेंस एग्जाम के जो आपको वीडियोज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस वीडियो को देखने के बाद करना क्या है, कि वीडियोज हमें सिर्फ देखते ही जाना है या कुछ और भी तरीके हमें अपनाने हैं। जैसा कि बहुत पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि हमें जो एंट्रेंस एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क करके एंट्रेंस एग्जाम में अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हार्ड वर्क केवल करके जो आप सिलेक्शन को श्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा बहुत भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, जब तक आप ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन जो है वो कंफर्मेशन नहीं रहता है। अगर आप ये दोनों चीजें साथ साथ करते हैं, तो बिल्कुल आप कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सिलेक्शन के लिए बिल्कुल कंफर्म कह जाते हैं। और इसको करना कैसे है, जैसे देखिए, इस टाइम तो काफ़ी दिनों बाद हमारी आप लोगों से मुलाकात हो रही है, काफ़ी दिनों बाद हम वीडियोज़ बना रहे हैं। थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है हम वीडियोज़ आप लोगों के लिए थोड़ा लेट ले आए, और बाकी और सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी जो है रेगुलर चल रही। हाँ, मैथ वाले सर का थोड़ा सा मतलब मैथ में थोड़ा नया चेहरा देखने को आपको मिला होगा। मैथ जो है शिव विजय सिंह पुष्कर सर हैं, वो भी BHU से ही MSc किए हुए हैं, तो वो आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। हालांकि मैथ जो है हम देख रहे हैं काफ़ी ठीक ठाक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा उनकी राइटिंग को लेके थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन खैर, मैथ वालों के लिए तो कोई दिक्कत राइटिंग की बात होती ही नहीं है, आप लोग बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते जाओ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। रजनीश सर भी केमिस्ट्री अच्छी पढ़ा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को जो है फिजिक्स स्टार्ट करूँगा। हाँ, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे देखिए, इस समय काफ़ी बच्चे तो ऐसे होंगे जो क्लास 12 में भी होंगे और एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो साथ साथ आपका बोर्ड भी तैयार हो जाए और एंट्रेंस एग्जाम की भी कुछ तैयारी हो जाए। तो मैं कुछ इस तरीके का प्लान सोच रहा हूँ, इस तरीके से फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन अच्छे से चलता रहे और वो भी साथ साथ होता रहे, कहीं दोनों में जो है मिस्टेक ना आए। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। यहाँ पे एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, एक वीडियो लेक्चर ऐसा मतलब सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से आपके लेक्चर स्टार्ट करें। अब आप लोग बताइए, हम सोच रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या ऑप्टिक्स, इन्हीं दोनों में से किसी एक टॉपिक से जो है मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। अब आप लोग बताइए कि कौन सा टॉपिक आपका पहले स्टार्ट किया जाए, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया जाए कि ऑप्टिक्स स्टार्ट किया जाए। कमेंट बॉक्स में जिस टॉपिक का नाम ज़्यादा आएगा, वही टॉपिक मैं पहले स्टार्ट करूँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में ऑप्टिक्स के कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक ज़्यादा आते हैं, तो इसको स्टार्ट करूँगा। हालांकि ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। दोनों चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं और काफ़ी नंबर के आते हैं, ठीक है। लगभग 8 से 15 नंबर के क्वेश्चन दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की, कि फिजिक्स की वीडियोज अब आप लोग जितनी जल्दी कमेंट करके बताएंगे, उतनी जल्दी हम वीडियोज आपकी स्टार्ट कर देंगे। उतनी जल्दी क्या, कल ही जो है, कल ही से मैं आपका जो है वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। बस टॉपिक आप बता दीजिए कि कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है। अब देखिए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप कोई भी वीडियोज लेक्चर देखते, जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर देखा, अब इक्विलिब्रियम टॉपिक इस समय चल रहा, तो इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे कराए गए, वो तो मान लो ठीक है, जो आपके बुक में दिए हुए उन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो, जो ऑब्जेक्टिव में दिए गए उसको भी प्रैक्टिस करते चलो साथ साथ, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए वीडियो लेक्चर में, उसको आप साथ साथ घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो लेक्चर हमने देख लिया अब तो हमारा ये टॉपिक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक आप घर पर हमारे साथ साथ खुद मेहनत नहीं करोगे, तब तक जो है आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा ये टॉपिक जो है तैयार हो गया, ठीक है। तो जो भी वीडियो लेक्चर आप देखिए, उसको अगर अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो बुक उठाइए, जो भी बुक आपके पास है, NCERT है, नहीं अभी कोई तैयारी की बुक आपके पास होगी तो NCERT आपके पास होगी, NCERT उठाइए, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जा रहे हैं, तब समझो कि हाँ वाह, मेरी तैयारी अच्छी चल रही। नहीं सॉल्व हो रहे हैं, फिर से वीडियो देखो, कहाँ पर डाउट हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, नहीं क्लियर हो रहा, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर ये टॉपिक हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है,
जब भी आप नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, आपका कमेंट बॉक्स कमेंट देख के जो है आपके टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट। यहाँ पे देखो एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट तैयारी करवाई जा रही है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में क्या है कि अब ये मान के कराया जाता है कि आप इंटर की कुछ चीज़ें जानते होंगे, तो जो हम लोगों को लगता नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से बताते हैं, जो लगता नहीं ये काम चलाऊंगा तो उसको जो है थोड़ा सा ऊपर में चले जाते हैं। तो इसलिए अगर वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग डायरेक्टली जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर बाकी हाँ थोड़ा सा बायो वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, बायो वाले बच्चे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द बायो की भी टीचर आप लोगों के सामने जो है अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो बायो के लिए आप टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्दी ही बायो की भी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। और बीए वालों की क्लासेस जो है वो जनवरी में ही स्टार्ट होगी, यानी 2021 में ही। तो आप बिल्कुल क्लासेस के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो भी तैयारी आपकी करवाई जाएगी सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। अभी देखिए मैट्रिक्स टॉपिक जो है मैंने आपका कंप्लीट किया था, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, उससे संबंधित मैंने एक क्विज बनाया था। जो जो क्विज सॉल्व कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं सॉल्व किए हैं तो इनसाइट एरिया यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, उसके टाइमलाइन पर आप जाएंगे तो टाइमलाइन पर भी वो क्विज अवेलेबल है। इनसाइट एरिया का टेलीग्राम जो ग्रुप है, ठीक है, उस पर भी ये क्विज अवेलेबल है। तो आप लोग क्विज सॉल्व किया करिए, देखिए उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप उसको शेयर भी करते रहिए कि मेरे इतने मार्क्स आए। ओके स्टूडेंट, और जो बच्चे अभी चैनल पर नए हों, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे उनकी भी घर बैठे आसानी से फ्री में तैयारी हो सके। यहाँ पे किसी भी वीडियो लेक्चर का आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, यहाँ तक कि आपको क्विज भी जो है फ्री में करवाया जा रहा है। तो आप मैक्सिमम क्विज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आप अपने बुक को उठाइए, उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग मुझे ये टॉपिक दोनों कंफर्म कर देना कि आपके कौन से टॉपिक पहले स्टार्ट करने, ठीक है, ऑप्टिक्स स्टार्ट करना या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी टॉपिक आपको पसंद आए, जो भी आप पहले पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पहले पढ़ने का मन है इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कमेंट करें, अगर ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑप्टिक्स कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो फिर से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, प्यारा सा छोटा सा लाइक दे दीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो कल से फिर मिलते हैं हम इन्हीं दोनों में से किसी एक टॉपिक के साथ और फिजिक्स की पहले लेक्चर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फुल एनर्जी के साथ।